हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार तो गाइस आज मैं आप सबके लिए मदर्स डे स्पेशल बहुत ही यम्मी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ इस केक को बनाना आसान है पतीले में बनाएंगे इसके अलावा इसमें मैंदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिस्किट का कर इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऊपर जो आप देख रहे हैं आइसिंग ये हम चॉकलेट की नहीं करेंगे बहुत ही यूनिक इसकी आइसिंग करेंगे शायद ही आपने कभी देखी होगी तो चलिए हम शुरू करते हैं इस यम्मी से केक को बनाना इसके अलावा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी यूज़ नहीं होने वाला है सिंपल सी रेसिपी है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने मम्मी के लिए जरूर बनाना तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दही तो यहाँ पर आज मैं जो सारा मेजरमेंट है वो कटोरी के नाम से कर रही हूँ बिकॉज आप लोग बोल रहे थे कि जो कप होता है वो नहीं है आप लोगों के पास तो कटोरी से करके दिखाऊँ तो मैंने आधा कप दही लिया है इसमें हम आधा कप ही मतलब कटोरी ही चीनी डाल देंगे और साथ में एक चौथाई कटोरी हम इसमें जो है ऑयल डाल देंगे यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ अगर आपको रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बटर को मेल्ट करके या फिर घर का जो देसी घी आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती है यहाँ पर आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इसे जल्दी बनाना है अब यहाँ पर हम जो है गेहूं के आटे का कर इस्तेमाल करेंगे जो कि हेल्दी होता है और इससे तो हम लोग रोज़ ही रोटियाँ खाते हैं तो ये सब के पास होता भी है तो आप यहाँ पर गेहूँ के आटे का इस्तेमाल करें इसके अलावा आज हम इसमें कोको पाउडर यूज़ करने वाले हैं चॉकलेटी फ़्लेवर देने के लिए अगर आप कोको पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं या लॉकडाउन में आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से एक बिस्किट का पैकेट जो है पीस करके इसमें डाल सकते हैं इसके पहले मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं जहाँ पर मैंने कोको पाउडर इस्तेमाल ना करके बिस्किट को ही यूज़ किया है तो बिस्किट का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए बट आज मैं यहाँ पर ये कोको पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ तो दो चम्मच जो खाने वाली नॉर्मल चम्मच आती है जिससे हम लोग दाल चावल वगैरह खाते उसी चम्मच के नाप से हमने दो चम्मच इसमें कोको पाउडर डाल दिया है तो गाइज इस तरीके से हम सारी चीज़ों को छान लेंगे और मैं यहाँ पे आपके साथ एक तरीका शेयर करती हूँ मतलब जब भी मैं क्या करती हूँ कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो साथ में जो है आप म्यूज़िक लगा लीजिए जो भी आपको म्यूज़िक पसंद हो गाने पसंद हो और फिर इसके बाद आप कुकिंग कीजिए तो कुकिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है तो मैं भी जब ये शूटिंग कर रही थी इस केक की तो मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ था तो इस केक को बनाना मुझे बहुत अच्छा लगा और साथ में ये मदर्स डे स्पेशल रेसिपी है आप लोग ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने बहुत ही सिंपल रखा इस रेसिपी को अब हम यहाँ पे दूध डाल देंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे करके दूध डालेंगे तो यहाँ पर जो है हम एक कप या कटोरी जो भी कहें आप उसके हिसाब से दूध डाल देंगे तो जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है और हमारे यहाँ जो गेहूं का आटा आता है उसमें चना मिला होता है और भी सारे बहुत सारे ग्रेनस उसमें मिले होते हैं तो इस वजह से इसमें जो दूध है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा तो दूध आपको अपने हिसाब से इसमें ऐड करना है जितना ज़रूरत हो उतना ऐड कीजिए मैंने पहले एक कटोरी ऐड किया था इसके बाद मैंने अभी एक चौथाई कटोरी और दूध इसमें डाला है क्योंकि मुझे पता है कि ये जो आटा है अभी दूध मेरा जो है ये एब्जॉर्ब करेगा बहुत ज़्यादा इसमें अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरीके का जो मोल्ड होता है या फिर अगर आपके पास ये स्टील का कटोरा है जिसमें सब्जी वगैरह खाते हैं या जो भी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे मोल्ड का ही इस्तेमाल करूँगी लेकिन मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है कि अगर नहीं है तो आप उसमें भी बना सकते हो और तेल लगाने के बाद थोड़ा सा आटा या मैंदा ऐसे डस्ट कर देंगे और ये रेडी हो गया है तो ये बटर पेपर का काम करेगा अब हम अपने बैटर को देख लेते हैं इसने दूध अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है तो यहाँ पर वैसे मैंने कोको पाउडर डाला था तो वनीला एसेंस डालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है बट फिर भी मैं आधा चम्मच इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब मैं नहीं करती हूँ तो आप लोग कहते हैं तो इस वजह से मैं ऐड कर रही हूँ बट कोको पाउडर है तो कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हम एक पैकेट इनो का इस्तेमाल कर लेंगे ये इनो आपको किसी भी दुकान पर आराम से मिल जाएगा और सबसे खास बात ये होती है कि बस आपने इसे यूज़ करना है तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं होगी आपको और ऐसा नहीं है कि इसका फ्लेवर आएगा अगर आप सही क्वांटिटी के साथ में इनो यूज़ करते हैं तो इनो का फ्लेवर नहीं आएगा और क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर बन रहा है तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है अब थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है इसी तरीके से हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे जब भी इनो आप यूज़ करें तो बिल्कुल हल्के हाथ से यूज़ करें अगर इनो इस्तेमाल नहीं करना है तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं अगर बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक चौथाई चम्मच और बेकिंग पाउडर डालेंगे तो वो आपका डलेगा वन टी एस पी अब एक बार इस पैसला से इसे एक सा कर लेंगे बिल्कुल बराबर मिला लेंगे नीचे से ऊपर और इसके बाद जो है हम इस मोल्ड में डाल देंगे तो आज मैं इस केक को गाइस पतीले में पकाने वाली हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि जो वैसा वाला कुकर होता है उनके पास नहीं है या फिर कढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है तो फिर किस में बनाएं तो इस, ऐसे में आप इस तरह से पतीले में बना सकते हो जिसमें मम्मी दूध वगैरह पकाती हैं वही वाला पतीला यूज़ करेंगे और मैं बताती हूँ आपको कैसे हमें यूज़ करना है ये देखिए मेरे पास नॉर्मल सा एक पतीला है जो कि जला हुआ है ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो इसी को यूज़ करेंगे अब इसके अंदर स्टैंड आने से नहीं था तो मैंने यहाँ पे प्लेट को उल्टा करके रख दिया और इसके ऊपर ये मैंने ये अपना मोल्ड रख दिया और ऐसे कवर हो जाने के लिए एक प्लेट रख दी जो बहुत अच्छे से कवर करे और इस तरीके से मैंने इसे गैस के ऊपर चढ़ा दिया पहले से मैंने गर्म नहीं किया है क्योंकि आप देखिए जब मैंने मोल डाला था, तो ज़रा सा भी स्पेस नहीं था और अगर मैं गर्म कर लेती तो ऑब्वियसली मेरे हाथ जल जाते जो मैं नहीं जाती थी तो अभी जो है मेरा केक जो है पक गया मैंने बीच में भी चेक किया था और इस तरीके से देखिए पूरी तरह से ये पक चुका है अब इसे हमने ठंडा कर लिया है और इस रेसिपी के बारे में आपको एक बात बताती हूँ गाइस आज मैं इसकी शूटिंग कर रही हूँ सुबह साढ़े पाँच बजे के बाद तो हुआ क्या था मैं वो ही बताऊँगी अभी आपके साथ लेकिन अभी आप केक देखिए केक बहुत अच्छे से पक गया और क्योंकि मुझे रात को इसे फ्रिज में रखना पड़ा था तो थोड़ा सा भी ये टाइट है बट नॉर्मल आएगा तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमने इनो से डाला है बहुत अच्छा बना है बहुत सॉफ़्ट बना है तो एक्चुअली रात को हमारे यहाँ लाइट चली गई और फिर मैं शूटिंग नहीं कर पाई थी तो फिर मुझे सुबह करनी पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का कुछ ठिकाना ही नहीं था कि कब आएगी कब जाएगी अब मैं आपको क्रीम बता रही हूँ ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो ऐसा नहीं है कि एवरी डे का ही चलेगा छोटे छोटे पैकेट भी आते हैं पाँच पाँच रुपए के मिल्क पाउडर के आप वो भी यूज़ कर सकते हो और पाँच सात चम्मच मिल्क पाउडर ले लेना है और इसमें दो तीन चम्मच दूध डालेंगे देखिए इसे अपने हिसाब से डालना है अगर आपको आइसिंग पूरी तरीके से चाहिए केक को कवर करना है तो आप जो है थोड़ा ज़्यादा लीजिए मिल्क पाउडर अगर कम चाहिए तो आप कम लीजिए और इस तरीके से देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी का बनाना है इसे और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा इसमें और डलेगा ये बहुत कम है और मेरे केक को कवर नहीं कर पाएगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला है और फिर अभी थोड़ा सा दूध और डालूँगी तो ये जो हमारी क्रीम है ये बिल्कुल रेडी हो गई है इसी तरीके से हम रखेंगे अब एक चम्मच क्रीम निकाल लेंगे डेकोरेशन के लिए जिसे मैं पाइपिंग बैग में डायरेक्ट निकाल रही हूँ इस तरीके से तो गाइज ये मैं सुबह साढ़े पाँच बजे शूटिंग कर रही थी वैसे तो आ, मैं जग जाती हूँ लेकिन ये है कि शूटिंग नहीं करती कभी भी मैंने साढ़े पाँच बजे शूटिंग नहीं की बट हमारे यहाँ ये था कि लाइट नहीं आएगी अभी एक ही दो घंटे के लिए आई है तो जो भी करना है कर लो तो मैं अपनी रेसिपी बर्बाद नहीं कर सकती थी तो मैंने जो है इसे कर लिया और क्या हुआ कि अब हम इसे मेल्ट करके अभी मैंने आपको डेरी मिल्क दिखाई आप डेरी मिल्क डाल सकते हो मेल्ट करके नहीं तो आप ऐसे चॉकलेट सिरप जो आता है वो डाल सकते हैं तो डेरी मिल्क हो तो डेरी मिल्क मेल्ट करके डाल लीजिए या फिर चॉकलेट सिरप डाल लीजिए जो भी आपके पास हो अगर कोको पाउडर है तो भी डाल सकते हैं आप ऐसी दिक्कत नहीं है कि कोको पाउडर नहीं डाल सकते कोको पाउडर भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं अच्छा मैं क्या सोच रही थी ना कि इसमें मिरर ग्लास वाला लुक दूंगी <laughs> बट वो हुआ नहीं अब ये जो मैंदे की लेयर है पतली सी उसे हम हटा देंगे देखिए मैंने ऊपर से चॉकलेट पूरी तरह मिक्स नहीं किया है मैंने सोचा शायद इसमें मिरर ग्लेस वाला लुक आ जाए तो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ सुबह से लेकिन ये आया नहीं लुक तो फिर मैंने इसे पैलेट नाइफ से एकदम चिकनाई कर दिया और फिर सारी जो चॉकलेट थी इसको बराबर कर दिया बट अगर लुक आता तो काफ़ी अच्छा लगता है फिर से कभी दूसरे तरीके से ट्राई करूँगी शायद आएगा और इसका फ़्लेवर वाकई बहुत अच्छा है इसमें किसी प्रकार की चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं आपको पता होगा मेरा पाउडर वैसे ही मीठा होता है फिर ऊपर से हमने इसमें चॉकलेट सॉस भी डाला है तो ये काफ़ी मीठा है और ये सच में बहुत टेस्टी बना है आपको भी मैं कट करके दिखाऊंगी तो अंदर से भी बहुत टेस्टी बना है तो ये देखिए बाकी की मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा साइड पे एक आपने देखा होगा बहता हुआ जो लुक आता है मैं वही देने की कोशिश कर रही थी तो वो बहता हुआ लुक जो है आ गया है मुझे लग रहा है फिर मैंने सोचा क्या करूँ इसे एकदम चिकना कर दो क्या मुझे लगा यही लुक अच्छा है तो फिर मैंने ऐसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मतलब अपने हिसाब से आप कर सकते हैं देखिए अभी मैं यहाँ पर देख रही थी कि चिकना करूँ क्या बट यही ठीक है ऐसे ही आप करिए ऐसे बहुत अच्छा लगेगा तो कैसी लगी कि वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप देखिए फिर से वीडियो में लाइट की प्रॉब्लम आ गई एक्चुअली फिर से लाइट चली गई तो ना करते करते सुबह साढ़े छः बज गया था और लाइट फिर से चली गई और अब मुझे जो है ऐसी ही शूटिंग करनी पड़ी बट कोई नहीं और अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है यहाँ पर क्योंकि मदर्स डे के लिए बनाया था मैंने स्पेशली तो यहाँ पर मैंने लव व्यू मम्मा लिखा है आप यहाँ पर हैप्पी मदर्स डे भी लिख सकते हो या फिर जो भी मैसेज आप या अपनी मम्मा को आप जो भी कहते हैं वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे मैं एक चीज़ और सोच रही थी लव यू करने के बाद माँ लिख दूँ मतलब हिंदी में माँ लिख दूँ तो काफ़ी यूनिक सा लगता है बट फिर पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया लेकिन वो भी अच्छा लगता तो इस तरीके से देखिए हम बहुत अच्छे से इसे ऐसे लिख देंगे और फिर थोड़ी सी क्रीम बच जाएगी तो उससे आप डेकोरेट भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मम्मा लिख देते हैं और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी मम्मी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और उनको भी दिखाइएगा और उनके लिए इस तरीके से केक जो है ज़रूर बनाइएगा उनको बहुत पसंद आएगा टेस्ट की मैं गारंटी लेती हूँ बहुत अच्छा बनेगा केक एक बार ट्राई कीजिएगा और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा तुरंत रिप्लाई शायद नहीं मिल पाएगा बट आपको रिप्लाई मैं कर दूंगी थोड़ा देरी सही पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा वैसे मैं अपने सारे जितने भी कमेंट आते हैं सारे रिप्लाई देती हूँ तो अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप पूछ लीजिएगा और इस तरीके से क्रीम बचने के बाद मैंने ये बॉर्डर जलेबी बना दी बॉर्डर में समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रीम भी नहीं थी और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है तो ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है अंदर से आप इसका ब्रेड देखिएगा इतने ज़्यादा दानेदार है और इतना मस्त है कि क्या बताऊँ मैं आपको बहुत ही बना बनाए और ये सुबह सुबह देखिए देखिएगा मैं कहाँ पे शूटिंग कर रही हूँ आप बताइएगा मैं कहाँ पे शूटिंग कर रही हूँ कुछ आपको देख के समझ में आ रहा है मैंने हाथ से कैमरा होल्ड किया है और ये हैंड किसके हैं ये भी आप बताइएगा तो मिलते हैं इसी तरीके की और नई नई वीडियोज़ के साथ टाटा बाय बाय